और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने फेस पे क्या लगाया है, ये एक वंदना की रेमेडी है। तो जैसे मैंने शेव की तो शेव करने के बाद मैं फेस ग्लोइंग वाली एक फेस पैक बनाया था वंदना ने, जो मैंने फेस पे लगाया है। इससे जो फेस है आपका काफ़ी ग्लो करेगा, क्योंकि हम जेंट्स बंदे होते हैं ना, तो घूमते रहते हैं बाहर, जॉब पे जाना पड़ता है, इतना धूल मिट्टी वगैरह, तो वो जम जाती है फेस पे। तो हफ्ते में एक आधा बार तो लगाना चाहिए, जैसे मैंने लगाया हुआ। इससे क्या होगा कि जो भी आपका मिट्टी धूल वगैरह होगी वो इस फेस पैक को लगाने से बिल्कुल साफ और ग्लोइंग स्किन बन जाएगी। और जैसे लगाया और इतनी ठंडक हो रही है कि इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो मत। और मेरे पीछे डैडी है जो पानी दे रहे हैं स्लैब को, जो कि कल पड़ा हुआ था स्लैब, आज सूख गया है। तो सूखने के एक दिन के बाद उसको पानी देना पड़ता है ताकि ढंग से एब्जॉर्ब हो जाए और सेट हो जाए जल्दी से जल्दी। ये तो ये देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो दिन है आज संडे का और अभी पतिदेव ने आपसे बात की और इसके बाद थोड़ा सा मौसम का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। तो धूप आज बिल्कुल भी नहीं लगी है और ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है फिर से मौसम। ऐसा लग रहा है कि बारिश आने ही वाली है। तो कुछ इस तरह का है हमारे यहाँ आसपास का मौसम। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू के परांठे। और ये आप सोच रहे होगे कि कहाँ आ गई हूँ मैं, किचन तो आपको लग नहीं रहा है। तो जैसा कि कल आपको बताया था, किचन में चला हुआ है काम और यहाँ इस वाले रूम में ले रखी है हमने शरण, मतलब यहाँ पर शिफ्ट कर रखा है अपना किचन। तो आजकल मुझे नीचे ही बैठ के काम करना पड़ता है यहाँ पर, और इसीलिए ना बहुत लेट हो जाती हूँ मैं। मैं सोचती थी ना कि पहले मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, तो वो फास्ट इसलिए करती थी क्योंकि खड़े होकर जब हम काम करते हैं तो थोड़ा बॉडी एक्टिव रहती है, और बैठ जाते हैं ना फिर एक जगह से उठने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए बैठ बैठ के काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है, और ऊपर से ना कमर में दर्द हो जाती है, पीठ में। और यहाँ पर सारी चीज़ें बिखरी हुई भी आपको दिखाई दे रही होंगी, तो अब कहाँ कहाँ सेट करूँ, किस चीज़ को कुछ पता ही नहीं चलता। तो जैसे भी जो भी चीज़ होती है वो यहाँ वहाँ अभी पड़ी हुई है। और इसके बाद फिर आलू मैंने छील लिए, साथ ही प्याज खूब सारा काट लिया, क्योंकि प्याज के बिना ना आलू के परांठे अच्छे नहीं लगते। इसके बाद फिर इसमें ये मेथी का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें ऐड की हैं। और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें आमचूर पाउडर, ताकि थोड़ी सी खटास जैसी आ जाए इसमें, और बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। नमक भी ऐड कर लिया है। और फिर मसाला रेडी करके अभी मैं बनाने लग गई आलू के परांठे। आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था, और छुटकू मुटकू को लगी है बहुत तेज़ वाली भूख, तो ये मेरे साथ ही बैठ गए हैं कि जैसे गरम गरम परांठा बनेगा उसको खाने लग जाएंगे। और बाल मेरे बहुत ज़्यादा चमकीले आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये ना मैंने वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस के लिए बनाई है रेमेडी। जब भी मुझे कुछ बालों में अप्लाई करना होता है, मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे नहाना होता है ना, तब मैं कोई ना कोई रेमेडी या ऑयलिंग, हैवी ऑयलिंग बालों में ज़रूर करती हूँ। तो बस आज मैंने सोचा था कि ये रेमेडी ही बना लेती हूँ, तो उसे मैंने लगाया भी है और शेयर भी किया है वेंडी लाइफ एक्सपीरियंस पे, तो वहाँ पे आप चेकआउट भी कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये रेमेडी ना, आपको बात बताऊँ तो सिर्फ बालों के लिए ही नहीं, हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब स्किन को अगर आपने ग्लोई ग्लॉसी बनाना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसलिए चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और परांठे अभी मेरे बन रहे हैं, इसके बाद ये कल शाम की रूटीन आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। कल भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सारे किचन की कुछ एक चीज़ें, मतलब अब आप समझते ही हो ना, जैसे ही हम कहीं और कोई चीज़ शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कभी कोई चीज़ रह जाती है, कभी कोई चीज़, तो इसी तरह से मुझे बहुत टाइम भी लग रहा था। और दूसरा, मेरी ना पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, किसी ने सजेशन भी दिया था कि कैल्शियम की कमी की वजह से है, और आप वो टैबलेट्स ले सकते हो सप्लीमेंट। तो देखूंगी मैं, ट्राई करूंगी आपका, हो सकता है क्योंकि हम काम में लगे रहते हैं और अपनी केयर नहीं करते हैं, उस वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है। और दूध मैं बिल्कुल नहीं पी रही हूँ आजकल, क्योंकि काम की वजह से फिर होता ही नहीं, मतलब इतना टाइम ही नहीं रह जाता कि हाँ हम अपने लिए कुछ भी करें। मृदुल शानवी को मैं बोल रही थी कि होमवर्क कर लो मेरे साथ साथ यहाँ पर, और ये भी मानते नहीं हैं,
और फिर मैं ये मटर मशरूम की सब्ज़ी बनानी है उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, सारी चीज़ों को अलग अलग छांट करके रख रही थी। सब्ज़ी वाला ये टोकरा भी लेके आ गई हूँ, यहीं पे मैंने साइड में लगा लिया है। तो कुछ एक चीज़ें हमारे रूम में रख ली हैं और बाकी फिर परे वाले रूम में। तो मटर मैंने छील लिए, प्याज काट लिया और साथ में मशरूम भी बाद में धुल के काटूंगी, इनको मैं पहले काटती नहीं हूँ, धोने के बाद ही काटती हूँ। और फिर पतिदेव से कर रही थी रिक्वेस्ट कि आप बना दीजिए ये वाली सब्ज़ी, और चावल के साथ ही मैं बनाने वाली थी क्योंकि अभी बिल्कुल भी नहीं थी हालत कि मैं चपाती बनाती, और ऐसे झुक के तो बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। और ऐसे भी एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ ना, तो उसमें भी थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुक के काम करते रहते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। और हॉस्पिटल जाने का भी मेरे पास वक्त नहीं था। तो बस ये सब्ज़ी जैसी मैंने प्रिपेयर कर ली कि अगर ये मानते हैं तो इनके पास दे दूँगी बनाने के लिए, और अगर नहीं तो फिर मुझे ही बनानी पड़ेगी। और चावल फिर मैंने ये डाल दिए कुकर में, क्योंकि आधा काम यहाँ पे निपटा देती हूँ मैं, फिर ले जाती हूँ परे को, वहाँ पे भी इतना फिर स्पेसिंग का नहीं रहता। बहुत दिक्कत आती है जब भी हम इस तरह से कहीं कोई काम करवा रहे होते हैं ना एडिशनली, और फिर हमें शिफ्ट करना पड़ जाए इधर उधर। बच्चों को खूब मज़े आ रहे हैं क्योंकि इनको ना सारी चीज़ों के साथ छेड़ने का बहुत ही मज़ा आ रहा है इस टाइम पे। तो चलिए अभी चलते हैं सब्ज़ी बनाने, क्योंकि पतिदेव तो भी गायब हैं, यहाँ पे है नहीं। और अभी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल इसमें डाल दिया है, अब डालूँगी इसमें सूखे मसाले, जीरा, धनिया। अब इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, और प्याज को भी अब अच्छी तरह से भुनने के लिए छोड़ देंगे। और जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाएंगे उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मेथी पाउडर, जिंजर पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली, जो भी मतलब मसाले हैं, मसालों का डब्बा मैं लेके आ गई हूँ यहाँ तक। तो ये सब कुछ ऐड कर लिया है, और इसके बाद नमक भी ऐड कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे एक बार। और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर। तो मटर ऐड करने के बाद फिर से हम इसे थोड़ी सी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम इस मैं अपने जो टमाटर हैं उनको ग्राइंड कर लूँगी। और चलिए अभी आज आपको एक झलक दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं शूट करती हूँ जब मैं ये सब्ज़ी बना रही होती हूँ किचन में। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया है, ये भी पहले प्रिपेयर नहीं हुआ था, तो जैसे ही प्रिपेयर हुआ उसको भी मैंने ऐड कर लिया है। जैसा कि अभी आपने देखा, कुछ इस तरह से शूट करती हूँ किचन में जब भी मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती है या फिर कोई भी चीज़ आपके साथ शेयर करनी होती है। और जैसा आपने देखा, टमाटर मैंने ऐड कर लिए हैं, और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी सी देर इनको पकाया, और पकाने के बाद अभी आप देख सकते हो अच्छा कलर टमाटर का आ गया है। और उतनी देर में फिर मैंने मशरूम काट लिए धुलने के बाद, और अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, और बस रेडी है हमारी सब्जी। तो अब इसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग पानी भी ऐड कर सकते हो, मैं चावल के साथ बनाने वाली हूँ इसलिए रसीली ही बनाऊंगी। तो जब तक सब्ज़ी पक के रेडी होगी तब तक मैं यहाँ आ गई रूम में, और यहाँ पर फिर बच्चों की खूब मस्ती चली हुई है, साथ ही मुझे थोड़ा सा भी टाइम लगता है ना तो मैं बैठ जाती हूँ ये अपना ताना वाना लेकर के, और ये लोग कर रहे हैं खूब ढेर सारी मस्ती अपने पापा के साथ, तो इनकी मस्ती भी ऐसे ही चली रहेगी। और मेरी स्वेटर जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये मेरा थोड़ा थोड़ा टाइम बचाने वाला फार्मूला भी चलता रहेगा। और इसके बाद फिर सब्जी पक के रेडी हो चुकी, अभी हो गया फिर हमारा डिनर का टाइम। आप भी कर लीजिए हमारे साथ डिनर। बच्चों को मैंने पहले ही खिला दे दिया था खाने के लिए, और डैडी जी अपने रूम में ही खाते हैं तो उनको वहाँ पे, लेकिन अब बोलते हैं ना माँ का दिल है, सोचती है कि एक वाइट ही सही लेकिन और खिला दूँ अपने हाथों से। और मेरी ही बात नहीं है, दुनिया की सारी माएँ ऐसी ही होती हैं कि थोड़ा थोड़ा और जितना भी हो सके ना बच्चों को खिलाती ही चलती हैं। तो सोचती हैं कि शायद इससे जल्दी से हमारे बच्चे ग्रो कर जाएंगे। Thank you.
बहुत ज्यादा और आज किचन शिफ्ट कर दिया है हमने ना, बहुत बुरी हालत हो रखी है, बहुत बुरी हालत हो रखी है किचन की, और सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है वंदना की, जो वहाँ खाना बना रही है नीचे बैठ के। ऐसा ना करो, और दूसरा क्या, आज तो ऐसे भी पूरा दिन भरना, पहले किचन की साफ सफाई की, फिर उसके बाद शिफ्ट भी दो जगह किया किचन को, पहले हमने बाहर सोचा कि बाहर बनाएंगे, बड़ा बाहर हवा आ रही थी यार, धूप में आराम से खाना भी बनाते रहेंगे, धूप भी सेकते रहेंगे, लेकिन वो वाला काम भी फिर फ्लॉप हुआ। उसके बाद फिर दूसरे रूम में शिफ्ट किया, आप सोचोगे ना कि फिर भी मुझ में इतनी एनर्जी है कि यहाँ पे बैठ के स्वेटर बना रही हूँ। ये ना एक लत जैसी हो जाती है इसको, स्वेटर बनाने की भी ना, जिसको ये लत पड़ जाती है ना, तो उनसे ऐसे बेले भी नहीं बैठा जाता, और जब भी टाइम मिलता है ना, थोड़ा सा भी क्यों ना मिले, तो वो लग जाते हैं इसे ताना बुना करने में। तो ये आप एक एक तरह की हैबिचुअल हो चुकी हूँ मैं इस चीज की, ग्रीन वाली। तो ये तो बहुत ज्यादा परेशान थे मेरी आदत से, है ना। मैं तो कार्टून देख रहा हूँ वैसे, मैं कैमरा लगा करके वहां पे बोल रही हूँ और ये कार्टून देख रहे हैं, सुन रहा हूँ वैसे मैं सब कुछ, है ना कमाल की बात, यही तो कमाल की बात है। जब आए, जब आप बैठे हो यहाँ पे, तो बात तो हम कैमरा पे करने के लिए बैठे हुए साथ में, मैंने देखो आपका ध्यान कहाँ भटक गया, ध्यान नहीं भटका, इधर उधर देखो, ये जेंट्स लोग अपना ध्यान इधर उधर भटका देते हैं, यही मैं इनको शिक्षा दे रही हूँ कि ध्यान को अपने को भटकाना नहीं है बिल्कुल भी। ये तो है, मेरी बातें चलती रहती हैं, रात गई बात गई, और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, और फिर से भागम भाग वाली वही लाइफ मेरी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जितनी भी सफाई करूँगी ना, उतनी कम ही पड़ेगी, थोड़ी देर के बाद फिर से बच्चे बाहर से आएंगे दौड़ के, रेत वेत वैसे ही हो जाएगी। जब तक ये पूरा टोटल काम कंप्लीट नहीं होएगा ना, मतलब सेटिंग वगैरह नहीं खुलेगी, तब तक तो फिर ये ऐसा ही चलेगा, और लगभग हफ्ता तो लग ही जाएगा, हफ्ते से भी ज़्यादा लग सकता है, कम तो नहीं लगेगा। तो बस फिर मेरा रूटीन चल पड़ा है साफ़ सफाई का, और बस यहीं से मिलती है फिर मुझे भी एनर्जी पूरा दिन भर काम करने की। आप पूछते हो ना, इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ही मेरी ये साफ़ सफाई की रूटीन चालू होती है, तो जैसे कि मैं भी चार्ज हो जाती हूँ इसके साथ ही, पूरा दिन काम करने के लिए एनर्जी फुल टू मुझ में आ जाती है। तो बच्चों ने अपने ना ये साइकिल, हर एक चीज़ अंदर लेके आ जाते हैं रात के टाइम पे, जैसे पता नहीं ठंड लगनी है इनके इन खिलौनों को भी, तो फिर अब सवेरे फिर से बाहर ले जाने पड़ेंगे। तो बस यही डेली का रूटीन। साफ़ सफाई का काम ख़त्म करने के बाद फिर मुझे धोने थे आज अपने बाल, और बालों को धोने से पहले मैं कोई ना कोई रेमेडी या ऑयलिंग करना बिल्कुल नहीं भूलती। तो जो ये रेमेडी आज मैंने बनाई है ना, बालों में बिल्कुल फंसने वाला कोई इसमें काम ही नहीं है, क्योंकि ये एक जेल फॉर्म में है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और केयर करनी चाहिए बालों की, तभी उनमें जान आती है, अदरवाइज़ फिर थोड़े ही दिनों में ना बाल, मेरे तो ऐसा ही होता है, अगर थोड़े दिन मैं छोड़ देती हूँ ना ये सब रेमेडी या ऑयलिंग करना, तो एकदम भुजे भुजे से बाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे ही कटवा के साइड कर दूं। तो इसीलिए फिर मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं हफ्ते में एक बार तो ज़रूरी मैं कोई ना कोई रेमेडी अपने बालों में यूज़ करती हूँ, और अगर पॉसिबल होता है मुझसे तो हर वॉश से पहले मैं अपने बालों में कोई ना कोई रेमेडी ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। तो बस जी, आज के ब्लॉग की करते हैं यहीं पे एंडिंग। आज का ब्लॉग ना मेरे लिए तैयार करना बहुत ही मुश्किल हो रखा था, क्योंकि चाचू जी के वहाँ पे भी घर का काम चला हुआ है, तो वहाँ पे टकाटक आपको भी वीडियो में सुनाई दी होगी। तो वेट कर कर के ना, मतलब थोड़ी देर मैं थोड़ा सा एडिट करती थी, फिर वेट करती थी कि कब ये टकटक बंद हो, तो फिर नेक्स्ट में चालू करती थी। तो इस तरह से मतलब आज का मेरा ये ब्लॉग जो है तैयार हुआ है, और आप तक पहुंचते पहुंचते भी थोड़ा लेट तो हो ही जाएगा। तो बस जी, यहीं पे करते हैं ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।